ले भिंडी करेला मुनगा है। और इधर देखो दादी ले रहे भिंडी 100 रुपए टमाटर 50 में। ये मैं टमाटर लेने, ये देख सकते भाई यहाँ पास टमाटर का बोली हो रहा है और यहाँ से भी खरीदे अपन ने टमाटर यार। ये देख सकते हो इसका वजन, देखते कितना केजी आता है। आलू लेने के लिए अपन आलू गोदान पे। और ये देख सकते आलू क्वालिटी कितने रुपए बोल रहे भैया, ये लो टोटल अपन 4500 रुपए के वेजिटेबल में 1600 रुपए का अर्निंग करी। तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी भाई टाइम है अपने मार्केट जाने का, मतलब गांव में सब्जियां बेचने जाने का यार मार्केट। मतलब ये देखो कल का जो सब्जी बचा हुआ है ना मेरे पास, करेला मुनगा और भिंडी, सिर्फ 3 ही आइटम एकदम थोड़ा थोड़ा बचा है तो इनको ले जा रहे हैं अपन बेचने। और ये पूरा पूरा अपना प्रॉफिट है भाई, कल का मूलधन जो है वापस आ गया, प्लस 1130 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया है। तो इसको और सेल करने जा रहे हैं, देखते हैं कितने का सेल कर पाते हैं। तो अभी चलते हैं भाई साहब इस साइड बेचने के लिए। सुबह सुबह यार मस्त देखो सनराइज हो रहा है भाई, क्या नज़ारे हैं। चलो इसी के साथ अपन आवाज़ लगाते चलते हैं। ले भिंडी मुनगा करेला है, ले भिंडी करेला मुनगा है। तो भाई साहब सुबह सुबह अपन आए यहाँ पास बेचने भाई, अभी देखो पूरा खाली है, कोई शायद उठा नहीं है, तो चिल्ला चिल्ला के अपन सबको उठा देंगे भाई आवाज लगा लगा के। ले भिंडी करेला मुनगा है। ये देखो बुलाते हैं इधर से कस्टमर आएंगे भाई, सेल करे बिना जाएंगे नहीं यहाँ से। तो भाई सब 30 रुपए का सेलिंग करी यहाँ पास, वो देखो कस्टमर चले गए भाई। अभी अभी चलते हैं यहाँ से भाई आगे साइड। चलो यार, तो भाई साहब अभी ना उधर से यहाँ पास आए थे, यहाँ एक कस्टमर मिले थे, खुश चले गए भाई मुनगा करेला सेल किए। अभी अपन चलते हैं इधर भाई इस साइड। चलो भाई साहब आवाज़ लगाते चलते हैं अपन इस साइड। तो भाई साहब अभी अपन आए हैं यहाँ पास बेचने, ये देख सकते हो मोहल्ला भाई। और इधर देखो दादी ले रहे भिंडी और मुनगा को 20 रुपए जूरी बेच रहे हैं, उसको 10 में ही बेचना पड़ गया यहाँ। कल मार्केट में 20 बेचा था और अभी 10, और पूरा पूरा मुनगा खत्म। हाँ भाई टमाटर टमाटर 50 हो गए, 50 रुपए किलो टमाटर, सस्ती हो गए पूरा। तो 50 रुपए धोखा, 100 रुपए टमाटर 50 में, 40 का। ये भाई साहब 60 रुपए बेचे हैं अपन मार्केट में और इधर 40 बोल रहे हैं, नहीं हो भैया। ये एक किलो से ऊपर भिंडी, ये देखो अरे यही कुछ जाते। चलो भाई साहब इनको सामान देते हैं फटाफट। भाई साहब अभी यहाँ पास आए थे कस्टमर, देखो चले गए भाई, लेकिन मुनगा पूरा खत्म हो गया, अब करेला बचे हैं थोड़ा सा और भिंडी एक क्रेट। अभी वेट कर रहा हूँ कस्टमर के आने का, सामान लेके गए भाई पैसा लेने के लिए, थोड़ा सा लेट लगता है यार गांव में आए तो, देखते हैं कब तक आते, फिर इधर से आगे चलेंगे भाई इस साइड यार। तो भाई साहब अभी आए थे यहाँ पास, ये देख सकते हो भाई कस्टमर आए थे लेके चले गए। भिंडी को ना 20 का 1.5 बेच रहा हूँ और करेला को 40 भाई, क्योंकि नहीं बिक रहा है 60 पे, इस वजह से। अभी चलते हैं अपन इधर, चलो यार ऐसा। अभी यहाँ पास आए थे अपन और अपना भिंडी पूरा खत्म हो गया, देख सकते हो भाई भिंडी नहीं है, करेला बस बच गया इतना सा यार। और इधर देखो मामा भी आए सब्जी लेके, इनका भी लगभग बिक गया है, थोड़ा सा ही बचा है। क्या बचा है मामा, बरबट्टी बस बचा आप उनका। तो मेरा करेला रख लो यार, बेच देना, मार्केट में चल नहीं रहा ना, नहीं चल रहा है करेला के यार, 40 रुपए बेच रहा हूँ 40 से करेला को, लेकिन फिर भी नहीं बिक रहा है भाई, अब पता नहीं कितना बेचे। 40 में मार्केट खाया है, 60 में थोड़ी बिकेगा। अरे तो 40 ही बेच रहा हूँ फिर भी नहीं ले रहे हैं यार, आप ले लो ना, आप बेचना सब दे दो सबका, सब टमाटर सब दे देना सबका। चलो भाई साहब इधर से वापस से घर की तरफ चलते, देखते हैं करेला बिक जाता है तो, और नहीं बिकेगा तो क्या करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब अभी अपन आए थे यहाँ पास भाई, और अभी ना अपना सब करेला भी बिक गया, ये देखो पूरा करेला खत्म, जितना भी करेला बचा था लगभग 2.5 किलो के आसपास, तो सभी करेला को मैंने 80 रुपए पे दे दिया भाई, क्योंकि करेला खराब हो जाता तो बिक गया। अभी पूरा खाली है, ये देखो पैसा लेना बाकी है भाई, वहाँ देखो पैसा लाएंगी दादी जो है, फिर पैसा लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घर, और घर पहुँच के देखते हैं भाई कि कितने का सेलिंग करें अपन भिंडी करेला और मुनगा को। तो चलो फटाफट से पैसा लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से भाई। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर, तो देखो पूरा खाली भाई, तो चलो कैरेट्स को उतार के रखते हैं घर के अंदर यार। दोस्तों पिछले वाले व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि अपने को 1100 रुपए प्रॉफिट हो गया करके, तो वही सब्जियां जो बची थी उसको अभी सुबह लेके गए थे बेचने, तो अभी सुबह गया था ना
तो ज्यादा रेट में नहीं भाई, बहुत लोवेस्ट मार्जिन में खरीदी से भी कम में बेचा। जैसे कि करेला मेरा 46 से खरीदे थे, उसको 40 में ही सेल किया, और भिंडी को 20 रुपए का 1.5 किलो बेच दिया, और मुनगा को 10 रुपए बंडल बेच दिया। भाई टोटल मिला के 500 रुपए के आसपास का सेलिंग किया मैंने, और 1100 कल, तो 11 और 5 अपने हो जाते 1600 रुपए। टोटल अपन 4500 रुपए के वेजिटेबल में 1600 रुपए का अर्निंग करी, दो टाइम में शाम और सुबह करके, जो कि बढ़िया ही है यार, कोई बुरा नहीं है। और अभी फिलहाल अपना टाइम हो गया फिर से मार्केट जाने का, तो चलो मार्केट चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन सा वेजिटेबल लाते हैं और आज का मार्केट कैसा रहता है। अभी देखो गाड़ी भी रेडी है, ये दोनों कैरेट्स को मार्केट में ले जाके जमा करना है, बस पैसा देना है इसका। तो चलो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से मार्केट। और अभी ना मेरे गाड़ी पे देखो पेट्रोल है, काफी लो हो गया है, रेड सिग्नल चालू हो गया है, तो 3-4 दिनों से पेट्रोल नहीं डलाया है, तो आज पेट्रोल भी डला लेते हैं। सामने देख सकते हो आप लोग पेट्रोल टंकी है, तो भाई साहब फाइनली पेट्रोल डलवा लिया है बाइक पे। ये देखो कांटा थोड़ा सा ऊपर आ गया, अभी चलो यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अभी ना पेट्रोल डलवाने के बाद मैं निकल चुका हूँ वापस से मार्केट के लिए, और आज मौसम ना यार थोड़ा सा बादल बादल हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगा। अब पता नहीं, बारिश का भी जरूरत है फसलों को, हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो सामने यार, भाई साहब अभी पहुँच चुके हैं अपन मंडी, और ये देखो अपना खाली कैट्स को भी नीचे उतार लिया भाई, और गणपत भाई भी आ गए, गुड मॉर्निंग भैया। और इधर शेखर भाई भी, गुड मॉर्निंग भाई। जो है गाड़ी को लेके कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई? आ रहा हूँ भाई, थोड़ा सा मिल के किसी से। चलो चलो ठीक है। और ये अपने बड़े भैया टीका वाले भैया, भाई ले लिए क्या भैया सामान? आलू और भुट्टा लिए यार। आप लोग के तरफ का मार्केट कैसा चल रहा है भाई? पूरा लो लो है। हम लोग का तरफ का मार्केट थोड़ा सा सही चल रहा है। गणपत भाई आज तो हम दोनों के एक ही मार्केट है। अभी ना ये कैरेट्स का पैसा देना है, मतलब ये कैरेट में जो सामान लाया था उसका, और जो उधारी कुछ दिन मुनगा लेके गए थे उसका। तो चलो गणपत से पेमेंट कर देते हैं यार, इसको पकड़ो ना, झोला मेरा है। चलो सब अभी ना सबसे पहले कैरेट्स को लेके आया हूँ यहाँ पास, ये देखो भाई के पास। भाई मोर भी बिल निकाल दे यार, ये मिल गया भाई अपना बिल। ये देख सकते हो तो 3 कैरेट है, तो 2 कैरेट लेके आया हूँ, 2550 देना है भाई। टमाटर लेके गया था 900 में, करेला 45 में, 675 टमाटर लेके गया था भाई, 860 रुपये। ठीक है टोटल मिला के 2450 रुपये देना है। तो चलो पैसा जमा कर दे रहे भाई, ये लो भाई 2450 रुपये काटो। ये मिल गया भाई अपना रसीद 2450 रुपये का, 50 रुपये पैसा वापस भाई। 50 रुपये यहाँ जमा कर दिया यार एडवांस में, और अभी चलो वहाँ मुनगा का पैसा देना है भाई वहाँ पास, फिर उसके बाद सब्जियाँ लेना शुरू करेंगे भाई। यहाँ चलते हैं, देखो गणपत भाई खड़ा है, यहाँ का बिल मिला अपना मुनगे का है भाई, ये मुनगा लिए थे। हाँ ठीक है, 48 केजी मुनगा था 25 रुपये पे, 1200 रुपये का, और पिछला बकाया 8 रुपये, टोटल मिला के 1213 रुपये देना है भाई। भाई साहब 1200 रुपये यहाँ जमा करते हैं, ये लो भैया, और रसीद ले लेते हैं भाई। ये मिल गया भाई 1200 रुपये का रसीद, अब हो गया अपन फ्री, अब स्टार्ट करते हैं अपन सब्जियां खरीदना भाई। चलो क्या क्या आ रहा है मामा? अपने यहाँ करेला, मुनगा, टमाटर, धनिया, मिर्ची सब आइटम। कितना टाइम है? 10-15 मिनट है गाड़ी। बिलासपुर से एक भाटा पारस, कहाँ सारा भाटा पारा, अभी मखना बस है 2 बोरी। क्या रेट है? अंदर भी है 12 रुपये। 12 रुपये मखना तो मैं नहीं बेचता यार, कभी और ट्राई करेंगे। अभी चलते हैं इधर जो सब्जियां आया है, अभी भाई साहब देख सकते हो यहाँ आया है मुनगा, और मैं और गणपत भाई दोनों जने मिल के 1 बोरी खरीद रहे हैं। खरीदना है भैया इसको? चलो भाई 1 बोरी खरीद रहे हैं, आधा आधा रख लेंगे भाई मैं गणपत भाई। भाई साहब मैं ना मेरे जो सभी झोले थे वो चोरी हो चुका है यार, मार्केट से है नहीं मेरे पास, तो मैं नया झोला लेने आया हूँ यहाँ पास। ये देखो चाचा बेच रहे झोला, तो ये 2 झोला के लिया हूँ, 160 रुपए का भाई, 80 रुपए पर पीस। तो अभी चलो पैसा देते हैं इनको, चाचा 160 रुपए। ठीक दादा, चलो भाई 2 झोला हो गया अपना, अब चलते हैं सब्जियां खरीदने और भरवाते हैं नए झोले पे। तो अभी ना किसान मार्केट तरफ से मैंने खरीदा है बैगन, ये देख सकते हो भैया जी का, अभी ट्रांसफर करा रहा हूँ भाई उनके झोला सबने झोला पे, बैगन को ट्रांसफर करा लिया झोले पे। ये देख सकते हो भाई 20 किलो बैगन 25 रुपए के रेट पे, पैसा देते हैं, ले भैया 500। ठीक, अब चलो बैगन को लेके चलते भाई ऑटो के पास। भाई साहब उधर से ना बैगन को लेके आया, और आते आते मैंने करेला भी लिया, करेला को मैंने नहीं लिया, आनंद भाई ने लेके रखा था मेरे लिए, है ना भाई? हाँ मुनगा रखा हूँ ना, मुनगा मिल जाएगा, मुनगा आपके लिए है। वैरायटी हो गया करेला तो, और घर का भिंडी बरबट्टी, घर का भिंडी बरबट्टी, 4 हो गया ना, बट्टी नहीं है भैया भिंडी। हाँ चलो ठीक है, इतना बहुत है, और कुछ देखते हैं, और टमाटर ले लेना। ठीक है टमाटर बिक जाएगा यार, बिक जाना चाहिए यार, 1 कैरेट बस लेना, ज्यादा मत लेना,
आदत वैसे भी नहीं लेता मैं। मैं भी एक कैट लूंगा भाई, और सस्ता मिला तो दो कैट भी ले सकते हैं। अभी अभी चलो फिर से चलते हैं इधर मार्केट की तरफ और कुछ सब्जियां लेके आते हैं। अभी मैं आया टमाटर लेने, ये देख सकते भाई यहाँ पास टमाटर का बोली हो रहा है। उधर देखो भाई 900, 910, 800, 900 हो रहा है बोली। और इधर देखो, इधर भी हो रहा है टमाटर का बोली। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा तखतपुर मंडी भाई, ये देखो इतना ही बड़ा है अपना मंडी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा सा है। और उस साइड भाई सब किसान मार्केट है। उधर यहाँ बोली हो रहा है, यहाँ बोली हो रहा है, देखते जहाँ अच्छा मिले और कम रेट मिले वहाँ खरीदेंगे भाई। सब अभी ना टमाटर लेने गया हुआ था, लेकिन टमाटर यार पसंद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं पूरा काला काला दाग है, तो टमाटर लेना छोड़ के मैं गया था किसान मार्केट। और उधर से भाई सब मूली लेके आया है, जिसको देखो पूरा दुल्हन की तरह ढक दिया भाई। और अभी भाई सब इसका देना है पैसा, ये आया है 33 किलो, 15 रुपए किलो के लिए है, तो 495 रुपए हो रहा है भाई, 5 कम 500, तो 5 रुपए दे देते हैं। ये लो भैया जी का है मूली, ठीक भैया गिन लो, 5 रुपए वापिस थोड़ी करोगे? नहीं नहीं ठीक है, चल जाएगा, नाश्ता कर लेना 5 का, ठीक। चलो भाई पैसा मिलने के बाद फार्मर के स्माइल देखो यार क्या खूब। और इधर भाई लोग तो खतरनाक खुश हो रहे हैं यार, 5 रुपए दे दिया करके। आनंद भाई ज्यादा खुश है यार, 5 रुपए आपके किराए में से कटेगा मैं नहीं जानता। हाँ चलो ठीक है, मूली जो है मेरा और इसका भाई दोनों का आधा को ये रखेगा, आधा को मैं, अभी इसको भी डाल दे रहे हैं गाड़ी के अंदर, चलो भाई डाला जाए। ये आया था कमीशन की तरफ, और यहाँ से अभी खरीदे हैं अपन ने टमाटर यार, ये देख सकते हो ऊपर से बढ़िया लग रहा है भाई, 1110 रुपए में है ये है। अभी इसको चलो वजन करके देखते हैं, सामने काटा है कितना के जी आता है भाई, चलो उठा दो भैया, उठा चलो, चलो चलो देखते हैं भाई साहब इसका वजन, देखते हैं कितना के जी आता है कैरेट समेत, डाल दो ये देखो कितना के जी आएगा, 27 केजी करेट काट कर, हाँ करेट का 1.5 किलो काट के भाई साहब 27 किलो, करेट समेत 28 किलो, 300 ग्राम ऐसा है। तो अभी ना इसको लेके चल भाई साहब, अभी टमाटर को भी ला के डाल दिया है गाड़ी पे, ये देख सकते हो भाई ये है अपना टमाटर। अभी भाई जा रहे हैं आलू लेने के लिए आलू वाले गोदान पे, तो चलो आलू को देखते हैं भाई क्या रेट है आज आलू। ये आलू लेने के लिए आए हैं अपन आलू गोदान पे, और ये देख सकते हो आलू क्वालिटी कितने रुपये बोल रहे भैया, 850 रुपये बोल रहे हैं भाई। वो देखो ऑटो आया है उसी पर डलवा देते हैं, यही बोरा लेके डाल दे, दे ला पैसा देता हूँ मैं सेठ ला, चलो भाई पैसा देते हैं, ये लो भैया 850 रुपये हो गया भाई, पेमेंट हो गया, आलू भी चला गया देखो वहाँ। अब अपन भी निकलते घर भाई। तो भाई साहब अभी सुबह 11 बज रहे हैं, और अभी मैं मार्केट से पहुँच चुका हूँ घर, और ये देखो भाई मुनगा को ना वापस लेके आया हूँ, काफ़ी मस्त क्वालिटी में है। इसको बांधना है मेरे को बंडल 20-20 रुपए का। और आज वेजिटेबल्स की बात करें ना, तो ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं है यार, कम वेजिटेबल्स है। और आज के सेलिंग का भी आप लोग को इसी ब्लॉग में दिखाऊँ तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार, इसलिए ना आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखना कि जो वेजिटेबल्स लाए हैं उसको कितने का बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ, वो आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक ला सभी को जय हिंद जय भारत, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।